हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का कुछ प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, बस मूड हुआ तो निकल गया व्लॉग में। बोला चलो, वो टाइम से व्लॉग नहीं आया नया, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं नया व्लॉग देता हूँ। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं दाना पानी। तो गाइस, मेरा एक्चुअली सेकेंड डोज कम्प्लीट नहीं था, तो मेरा सेकेंड डोज लेने के लिए ही आए थे इधर पे। तो मेरा सेकेंड डोज अभी जस्ट हुआ, हाथ पे इंजेक्शन लगी है। बोले कि अगर आपको फीवर आएगा तो प्रोसिन खाना है एंड ऑल। तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने बोला यहाँ पर अक्सा बीच भी है, दाना पानी भी है, मारवे भी है, तीन बीच लेके की है, बाकी स्पॉट अलग अलग है पूरे। तो गाइस, दाना पानी अभी हम लोग आए हैं, तो मैं दाना पानी का ब्लॉग बनाता हूँ, आपको पूरा बताता हूँ दाना पानी में कैसा है, क्या है पूरा। बहुत प्यारा व्यू है। और गाइस, इधर पे मतलब पब्लिक नहीं है ज्यादा, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसके वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और ज्यादा पब्लिक है ही नहीं। तो गाइस, अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लोर करता हूँ कि दाना पानी में कैसा क्या है। और इधर पे पूरे बंगलोज, जितने भी बंगलोज है ना दाना पानी, मारवे, अक्सा में, पूरे शूटिंग पे जाते हैं। और अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे, शायद से कोई शूटिंग चल रही थी, तो कोई आया था सेलिब्रिटी, तो बहुत भीड़ थी, बॉडी गार्ड्स थे, तो वहाँ तो रुक नहीं पाए, तो हम लोग को वैक्सीन के लिए बहुत लेट हो रहा था, तो हम लोग निकल गए। तो गाइस, दाना पानी में आया हूँ, मैं दाना पानी का ब्लॉग बनाता हूँ। और इधर पे बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलती है खाने पीने की, जैसे एक ढाबा टाइप रहता है, अगर आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो जैसे मच्छी, फिश, चिकन, तो वो वहाँ पर ही कढ़ाई में बना के आपको एकदम फुल, जैसा आप बोलोगे ग्रेवी, जैसा खाना है आपको, पाव के साथ में, रोटी के साथ में, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के देते हैं, आप खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बीच का नज़ारा। और एक चीज इधर पे थोड़ी खराब है, क्योंकि बीच है ना गाइस, तो वैसा थोड़े पीने वाले लोग आते हैं ज्यादा, बैठते कोने कपचे में। अच्छा स्पॉट है फैमिली के लिए भी, सबके लिए, सब इंजॉय करते हैं, हम आए, हम भी इंजॉय करेंगे, और आप वीडियो देख रहे हो, आप भी इंजॉय करो। बाय। देख सकते हो इधर पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, और पीछे कोई भी नहीं है। देखो दूर दूर तक, क्या आप देख सकते हो, दूर दूर तक के कोई नहीं है, ना बंदा है ना बंदे की जात है। और धूप बहुत कड़ी हो रही है, क्योंकि दोपहर के अभी 1:30 बज रहे, तो इसके लिए धूप बहुत है। आप देख सकते हो पीछे ही पूरा दाना पानी के लेके, और आज पानी है, आज पानी बहुत ज्यादा है, ऊपर तक के पानी है, इसके लिए पानी इधर तक ही दिख रहा है। नहीं तो गाइस, पानी नहीं रहता है ना, तो पूरा सूखा रहता तो मजा नहीं आता है। अब समुन्द्र के किनारे पे लोग जाएंगे तो पानी के मजे ही लेंगे ना, समुंदर से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वही मजे लेंगे गाइस। तो अभी देख सकते हो आप पीछे मेरे, पूरा समुंदर है, और पानी इधर तक के रहता ही नहीं है, बहुत नीचे तक के, बहुत दूर तक के रहता है, तो उसमें मजा नहीं आता है। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, देखा मैंने पानी ऊपर तक के, तो मैं चलो ब्लॉग बना लेता हूँ। और गाइस, इधर पे आने का कोई मकसद नहीं था, अचानक में मन हुआ पटक से, मैंने बोला चलो अपना कैमरा स्टार्ट करो, फ्रंट कैमरा ऑन करो और ब्लॉग बना दो। तो गाइस, मैंने ब्लॉग बना दिया, आगे जाऊंगा, आगे मैं स्टॉल बताऊंगा, जो खाने पीने की चीजें के स्टॉल है इधर पे, मतलब कैसा बना के देते, वो फिश बताया आपको मैंने, प्रॉन्स जो भी रहते सब बना के देते, बहुत अच्छा रहता है। और आगे भी बहुत प्यारे प्यारे व्यू है, तो वहाँ का भी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, मैं आपको बोलते हुए इसके लिए नहीं चलता हूँ कि मतलब जैसे मैं आपको बोलते हुए चलूंगा, पूरा बताते हुए चलूंगा, तो आप व्यू इंजॉय नहीं कर पाओगे, जो व्यू है इधर का, इसके लिए मैं क्या वीडियो कट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में जो व्यू है पूरा वो कैच करके आपको सब चीज दिखाता हूँ, ताकि मेन जो मैंने टॉपिक डाला हो, जो मैंने थंबनेल डाला हो, जो चीज मैंने हेडिंग लिखा हो,
वो चीज पढ़ते हो आप, जैसे मैंने डाला हो दाना पानी का ब्लॉग, ठीक है, दाना पानी ब्लॉग, एक्सप्लोर दाना पानी। तो गाइज आप दाना पानी का व्यू ज्यादा देख सको, मैं वैसा एक्सप्लोर करता हूँ। मैं आपसे ज्यादा बातें इसके लिए नहीं कर पाता हूँ कि मतलब जो चीज के लिए मैंने वीडियो बनाया पर्टिकुलर, मैं उस चीज का ज्यादा एक्सप्लोर करके उनको एंजॉयमेंट दूँ, उनको मतलब एंटरटेन कर सकूँ। तो गाइज मेरा यही एक मकसद रहता है। और गाइज आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, आप बहुत चैनल पे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों का बहुत प्यार दिख रहा है मुझे। मेरे चैनल धीरे धीरे हो रहा है, ज्यादा तेजी से भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मेरा चैनल मेरा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही प्यार देते रहना, और भी जो न्यू व्यूअर्स आते हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करें बगैर मत जाओ गाइज, आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मेरे को 2 महीना ही है व्लॉगिंग करके। तो गाइज अभी आगे का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से निकल के जाएंगे तो बाय। गाइज अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, वो एक आंटी का ढाबा है इधर पे, बहुत फेमस है। जब इधर पे कुछ था नहीं तो पहले से एक छोटा सा स्टॉल पे चालू किए, आज वो मतलब अच्छे नामचीन बन गए, मगर फिर भी वो छोटे स्टॉल पे ही है। एक उनकी अच्छी बात है, बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी लोग भी आके उनके पास खाते, और जैसे फॉरेन लोग आते, फॉरेनर लोग ट्रिप मारने के लिए आते, तो वो भी उनका ब्लॉग बना के डाले, बहुत आपको मिलेगा। मैं भी उनको उनसे मिलाता हूँ आपको और दिखाता हूँ। और प्रॉन्स खाएंगे हम लोग और पाव के साथ में, तो आपको दिखाता हूँ उसमें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस अभी चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि मतलब कैसा बनाएंगे वो, कैसा उनके मतलब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो तो बताएंगे नहीं, वो तो उनका राज है। तो गाइस अभी देखते हैं और मैं मिलाता हूँ वो आंटी से। देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं आंटी के ढाबे पे छोटे से, तो देख सकते हो ये आंटी है जो फेमस है इधर पे दाना पानी में। तो आप जब भी आओ इधर पे इनका चेहरा याद रखना, और जो मतलब आप बोलोगे वो बना के खिलाएगी आपको अच्छी से अच्छी चीज। तो गाइस देख सकते हो प्राउन्स और पाव आ चुके हैं, अभी इसे खाएंगे और उसके बाद में बोमबिल भी बोले, तो बोमबिल भी आने वाली है। तो गाइस चलो खाते। सो गाइस एक बात तो बताना भूल गया, इधर पे जो दाना पानी में हम लोग आए हैं, अभी मैं यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ के ब्लॉग में एक मतलब खास चीज आपको मैं ये बताऊंगा कि जो शिल्पा शेट्टी है उनके हस्बैंड राज कुंद्रा का, जो बीच में बहुत टाइम पहले आपने तो सुना ही होगा सुर्खियों में थे, बहुत केस चल रहा था उनके ऊपर के, मतलब आपको तो मालूम ही है, मैं बता नहीं सकता ब्लॉग में। तो वो जो सीन हुआ था, जो शूटिंग होती थी वो इधर ही होती थी, और इधर पे ही उसका बंगला है, तो उधर पे ही पूरी शूटिंग होती थी, और वही केस इधर से ही पूरा अखबार में उठा था। तो गाइस वो बंगलों में आगे है, आपको दिखाऊंगा कि ये बंगलो है, इधर पे ही मतलब ऐसा ऐसा राज कुंद्रा के साथ में प्रॉब्लम हुई थी। तो गाइस अभी मैं हम लोग जा रहे आगे, हम लोग ने खा लिए अपना बोमबिल फ्राई और क्या था प्रॉन्स था, प्रॉन्स खाए, अच्छा लगा, मज़ा आया, वो टेस्टी बना था। मराठी लोग की ना मतलब जो हाथ के टेस्ट है ना गाइस, और फिश में तो उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता है। तो गाइस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, थोड़ा व्यू है उधर में, पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर। तो गाइस देखना, एंजॉय करना, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मोटिवेट मिलता है गाइस इस चीज़ से। बाय। इधर पे छोटे तो एक भी पत्थर नहीं है, सब बड़े बड़े पत्थर है, तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आगे जा रहा हूँ समुंदर के पास, आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, बहुत प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो पीछे पूरा समुंदर है,
और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है तेज, शायद से आपको आवाज़ मेरी कम आ रही होगी और धूप बहुत है इसके लिए मेरी आंखें थोड़ी बारीक हो रही है। सो गाइस, आपको मैंने दिखाया अभी वो जो राजकुंद्रा का केस चल रहा था, वो बंगलो दिखाया मैंने, वही बंगलो था गाइस, उधर से वो केस ओपन हुआ था रेंट पे लेके, उधर पे मतलब सब काम होते थे उधर पे। बहुत पुराना केस हो गया, टाइम हो गया, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको आगे का व्यू। 2 मिनट आप बस बने रहना। और गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेट मिलता है आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, ऐसा लगता है कि मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं जा रही है। देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते वीडियो लोग, मगर जो भी देखते थोड़ा बहुत भी देखते अच्छा लगता है। देख सकते हो गाइस, मैं आ चुका हूँ, बाजू में ही पानी है। तो गाइस, वो पूरा समुंदर है, जैसे कि मैंने बताया अभी तो पानी है इतना, पहले तो पानी नहीं था इतना, बहुत दूर दूर तक पानी रहता तो मालूम नहीं पड़ता था। तो गाइस, दाना पानी ब्लॉग आ चुका है, जाओ सब्सक्राइब करो, अपना प्यार बरसाओ। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल के घर पे ही जा रहे हैं। तो गाइस, आई होप एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, दूसरी जगह अगर कई ब्लॉग आपको पसंद आए बनाने के लिए तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, आप कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।